बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ जी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। जी वेरिएबल है हमारे पास, उसमें मीन 0 है और वेरिएंस 1 गिवन है। कहता है फाइंड ए इफ। अब हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं अब तक, उसमें क्या होता था कि इधर पॉइंट दे देता था और हमने उसका आंसर फाइंड करना होता था, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया है। क्या है कि कहते हैं इफ फाइंड ए, आपने ये पॉइंट फाइंड करना है। पहले ये गिवन होता था, अब आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है। जबकि प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है। पहले हम पॉइंट गिवन होता था और प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, अब आपके पास पॉइंट फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो इसको फाइंड करने का तरीका उसी से रिलेटेड ही है कि आप क्या करें, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, सिंपल पहले हमने फाइंड कर इसके ऊपर हमने लगा लेना है सिंपल फाई, क्योंकि हमारे पास वही है। आप यही समझें कि ये हमारे पास इधर कोई ना कोई वैल्यू है, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाई ऑफ ए, क्योंकि जो हमारे पास इधर लेस के बाद साइन के बाद जो भी होता था हमारे पास, हम उसी के ऊपर फाई अप्लाई कर लेते। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.325। जब 0.325 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें ए के साथ ये फाई मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यही समझिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्योंकि ये फाइव फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइजर में नहीं लिखेंगे, हम फाइव को इस वैल्यू के बाहर ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे डिवाइजर में पावर वन होगी तो ऊपर आके पावर माइनस वन हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं फाइव इनवर्स। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू इधर ए रह गया फाइव, ने उधर जाके डिवाइड होना है, तो हमारे पास इधर क्या बनेगा फाइव ऑफ माइनस वन, मतलब कि इन्वर्स हो जाएगा। आगे हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, 0.0.325। ये हमने सिर्फ क्या किया, फाइव इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जब डिवाइड होगा तो डिवाइजर में नहीं हम लिखेंगे, हमने उसको ऊपर ले गया तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस वन बन गया। तो 0.325 अब फाइव इन्वर्स का एक टेबल होगा 0.325। तो हम टेबल देखते हैं, इसमें कौन सा देखेंगे टेबल, वो चेक कर लेते हैं पहले। ये क्वांटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला टेबल इसमें यूज होगा। इसमें है क्या हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि ये आपको नजर आ रहा है जी। अगर आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इस साइड पे अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप फाइव इनवर्स, कोई भी पॉइंट गिवन है तो आप क्या उधर, तो आपने क्या किया कि फाइव इनवर्स उधर चला गया, तो आप इसमें से आप वैल्यू देख सकते हैं। हमारे पास था 0.325 पे वैल्यू देखनी है, तो इस साइड पे हमने 0.32 पॉइंट के बाद टू डिजिट इस साइड पे देख लेने और थर्ड डिजिट हमने ऊपर से देख लेना है। 0.32 किधर है वो आप देख लेते हैं, 0.20 0.32, ये 0.32, ये 0.32 है, आगे हमें चाहिए 5, ये 0.320 हो गया, ये 0.321 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 0.325 पे हमें वैल्यू नज़र आ रही है -0.4538, माइनस 0.8 इज इक्वल टू आ गया -0.4538। तो ये हमारा आंसर आ गया ए, जो उसने बोला था कि फाइंड ए करें तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो इसके बाद अगर ये था लेस की फॉर्म में, अगर ग्रेटर की फॉर्म में होता है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए मांग लेता है, तो फिर हमने क्या करना है, सेम उसी तरह ही कि हम इसको पहले कर लेंगे लेस में कन्वर्ट। लेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल हो सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए। ये आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ 2-3 में कि आपके पास अगर ग्रेटर वाला एरिया आपने फाइंड करना हो तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, उसमें से अगर लेस वाली माइनस कर लें तो हमारे पास ग्रेटर वाली ही आ जाती है। तो ये गिवन है 0.025 इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड पे इस तरह आ गया और राइट साइड आपके पास वही रही। तो अब आपने क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए माइनस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैंने क्या किया कि माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए माइनस हो रहा था 1 के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, ये प्लस में आ गया, इसके साथ प्लस है अब, और ये इसके साथ प्लस था 0.025 के साथ, इस साइड पे आके मेरे पास क्या बन गया, माइनस बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z less than a is equal to 0.975।
तो इसको इसकी हम वैल्यू देख लेंगे उसी तरह फाइव लगा के फिर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास उसी तरह अब ये आगे से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो गया तो उधर से ए की वैल्यू आ सकती है आपके पास। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जब मॉडुलस आ जाए तो फिर क्या करना है, मॉडुलस के लिए बताया था जब कि इधर लेस फॉर्म में हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसको टू फाई ऑफ जो भी इधर वैल्यू होती थी हम उसको लिख लेते थे। अब हमारे पास इधर ए है टू फाई ऑफ ए माइनस वन, अगर ग्रेटर होता तो टू फाई ऑफ माइनस ए आ जाता बस, अगर हमारे पास लेस है तो हमारे पास क्या होगा टू फाई ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू 0.9। ये माइनस वन था दूसरी साइड पे जाके प्लस वन हो गया तो क्या बन गया 1.9 बन गया। इसके बाद क्या होगा अब आपके पास क्या होगा फाई ऑफ ए रह जाएगा इज इक्वल टू होगा इसको ये डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा जो भी वैल्यू आए उस फाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यही समझेंगे आप उधर दूसरी साइड फाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह आपने इधर से कंटिन्यू कर लेना है कि फाई ऑफ ए की सॉरी ए की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। ये था आपके पास जब आपने एक पॉइंट फाइंड करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपने दो पॉइंट भी फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो उनको सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।